उल्टन पलटन शो को जनता का ढेर सारा प्यार तो मिला ही है और हाल ही में अपने फैन से रूबरू होने के लिए टीम पहुंची आगरा। मुंबई से निकली हप्पू और रज्जो की सवारी आगरा के लिए और अब आगरा पहुंचे हैं हप्पू और रज्जो तो ढेर सारी मस्ती तो होगी ही। सबसे पहले शो की टीम पहुंची आगरा की गलियों में स्ट्रीट फूड का मजा लेने, जहां हप्पू और रज्जो ने खाई कटोरी चाट। खेत में हमें खाना है कटोरी चाट। कैसे कि इनकी अम्मा को जो नाम है ना कटोरी देवी है, अब उतर तो खा नहीं पाते, हमने सोचा इतना ही खा लेते हैं। अच्छा ना लगे तो घर आ जाके अम्मा को ही खा जाएगी, कटोरी को ही खा जाएगी। फोकस करो, कटोरी चाट हमें जय चाट खानो है। कटोरी चाट आ रही है, बास्केट जो चाट खाई है उसके बारे में ये बताएंगे। बास्केट चाट खा के ना एकदम मतलब मन गदगद हो गया। मन तो कर रहा है इसे पूरा चाट जाए, लेकिन और भी चार सारी चीजों का मजा लेना है तो इसको देते हैं अल्प विराम, किसी और दुकान पे चलते हैं, कुछ और चाटा जाए। इसमें क्या क्या है ये तो बताओ। अनार है और एक अनार सौ बीमार, आलू है, दही है और ये बास्केट है, बाकी एक चम्मच है और एक पत्ती है। सौ को तो पता नहीं पता, अनार खा के खुद बीमार गिर गई। पेट पूजा करने के बाद हप्पू और रज्जो निकले बच्चों के लिए खिलौने खरीदने और इसके बाद बारी आई राम बारात देखने की। बताओ जो झुंझुनई गायब हो, ए बज तो है, हाँ बज तो है, जो बज तो है जो, हाँ जो ड्रम देखो बजने लग गो, बस हमारे झुंझुने के जैसे झुंझुना है जो। इनने भी नोनो बन रही पैदा करी, हमने बानर पैदा करे, जामुन के पेड़ से नहीं तोड़ के लाए अकेले, हमने राक्षस करे। तो अब हम राम बारात के लिए जा रहे हैं और यहाँ अभी हमने चौपाटी का आनंद लिए, अब हम जा रहे हैं राम बारात में। चलो चलो, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है भारी, मिलते हैं राम बारात में। हम आपको बता दें कि इस बार आगरा में राम जी की भव्य बारात निकली और इस राम बारात में करीबन 140 झांकियां निकली। राम बारात देखने के बाद फैंस से मिलने पहुंचे हप्पू और रज्जू। देखिए जरा शो के फैंस हप्पू और रज्जो से मिलने के लिए कितने एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। फैंस से मिलने के बाद शो हप्पू की उल्टन पलटन में रज्जो का किरदार निभाने वाली गीतांजलि मिश्रा से हुई हमारी खास बातचीत। तो आज का दिन कैसा रहा जानना चाहूंगी, बहुत कुछ किया, एक नई शहर में आए थे, क्या कहेंगे? आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहा, नए शहर में आए, नई जगह एक्सप्लोर की, नई नई चीज़ें की, किसी फाइव स्टार में आके कुकिंग कैसे करते हो वो भी देख ली, हमारे बच्चों को मतलब शो में मेरे जो बच्चे हैं वो नाश्ते में पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसकी भी हमने कोशिश कर ली, बहुत से तड़के लगाए और मेरे शो में आए दिन हप्पू और रज्जो के बेडरूम सीन में म्यूज़िक होता है तो हमने यहाँ पर एक म्यूज़िकल बाइट भी करी, फिर एक नई कार की सवारी करी, मेरे शो में तो नहीं मिलता है क्योंकि दरोगा जी की जो स्कूटर है वो कभी नहीं चलती, उसमें पेट्रोल होता ही नहीं है, तो यहाँ पे बहुत कुछ किया नया नया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है राम बारात। आगरा की राम बारात के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ऐतिहासिक है, पिछले 100 सालों से उसका आयोजन हो रहा है, तो सौभाग्यशाली हैं जो हमें भी यहाँ पर आने का मौका मिला और इतनी बड़ी भारी संख्या में जनता जनार्दन से रूबरू होने का मौका मिला और उनके उत्साह को देखकर मतलब रात के 10 बज रहे हैं और हम सुबह से निकले, उसके बावजूद पैर जो है ना ज़मीन पे नहीं रहते, ऐसा लगता है कि आप एक अलग एनर्जी में आ गए, जैसे ही आवाज़ आती है ना कि जय श्री राम, तो वो जो जय श्री राम है ना वो आपको अंदर से झंझना देता है। आगरा से स्नेहिल यादव की रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।